बादाम की कमी ना महसूस कराते हुए जावेद भाई हेलो क्या बना रहे हैं चिकन पुलाव अपने अप्पा के साथ अप्पा चल अप्पा ये निकाल अप्पा के साथ बनाते हुए पुलाव और ये फ्राई हो रहा है चिकन। हेलो गाइस नमस्कार। सो आप लोग समझ ही जाएंगे कि ये ब्लॉग आज का कौन सा ब्लॉग होने वाला है। सो आज हम जा रहे हैं घूमने, सो उसके लिए हमने बना रहे हैं पुलाव और यहाँ पे साइड में फ्राई कर रहे चिकन। सो आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी कर ली है। हम कर रहे गाड़ी को क्लीन और गाड़ी में रखेंगे सारा सामान, तो अंदर देखते हैं अभी सामान की क्या तैयारी चल रही है। सो यहाँ पे भाभी कर रहे चटाई को फोल्ड और अंदर बन रहा है कुचुम्बर और यहाँ पे चिकन वगैरह को सब ऐसे डब्बे में पैक करके ले रहे हैं ये देखो। और ये यहाँ पे बना रहे हैं कुचुम्बर के ऑनियंस को कट कर रहे हैं और नानी टमाटर कट कर रहे हैं और ये मैं भी रेडी हो चुकी हूँ ये देखिए और मैं अपने कैमरे में व्लॉग बना रही हूँ। सो अब चलते हैं किचन में। ऑलमोस्ट चिकन फ्राई हो चुके हैं हाफ और हाफ अभी बाकी है। सो जब तक कि हम लोग सामान वगैरह रख रहे हैं और अभी कुछ लेडीज़ तैयार नहीं हुए तो उन लोगों के रेडी होते होते हो जाएगा और ये हम निकल पड़े। और ये देखिए ये हम लोग निकल गए हैं और आज हम जा रहे हैं साइबन करके, यहाँ पे गार्डन है और वो गार्डन बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत से एडवेंचर्स है और चीज़ें हैं। सो हम वो सब चीज़ें देखने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। सो ऑलमोस्ट हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है, अभी आधा रास्ता बाकी है। सो ये देखिए आप व्यू, ये देखिए यहाँ से 3-4 किलोमीटर कुछ बाकी है और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये मैं व्यूज कैप्चर करते हुए। और ये देखिए हर तरफ झाड़ झाड़ और पत्थर है, पहाड़ है, पहाड़ को यहाँ से तोड़ के लोग यहाँ से पत्थर वगैरह लेके जाते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं गार्डन के एंट्रेंस के अंदर, वहाँ पे सब में पहले हम लोगों को मिला वेलकम ड्रिंक। सो वेलकम ड्रिंक था नींबू का शरबत था और फिर यहाँ पे सामने देखिए ये फ़नी फ़नी से ऐसे फेस लगा के गेटअप में खड़े थे हमारा वेलकम करने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं अंदर और हम अंदर ही अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। सो ये देखिए आप, यहाँ पे ये हथगाड़ी भी थी और ये बच्चे गाड़ी से उतरते ही साथ हम लोग सब मस्ती कर रहे थे, बच्चे झूले वगैरह और बहुत खुश हो गए थे हम लोग सब वहाँ पे। ट्रैम्पलिन वगैरह भी था जो कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि यहाँ पे ट्रैम्पलिन होगा, बट था और वहाँ पे बहुत बहुत इंजॉय किया हम सब ने। और यहाँ पे एक ऐसा गार्डन भी बना हुआ था, ये देखिए बटरफ्लाई गार्डन, जहाँ पे बहुत से अलग अलग तरीके के सारे झाड़ फ्लावर्स वगैरह थे। और ये हम सब में पहले खाना खाया हम लोगों ने और फिर ये बच्चों की मस्ती चालू हो गई ट्रैम्पलिन पर। और ये देखिए जैद को कोई खड़े होने ही नहीं दे रहा है, जंप करते ही जा रहे और बच्चों ने बहुत बहुत इंजॉय किया। सो मैं आपको पूरा गार्डन बताऊँगी और हमने क्या क्या किया वो भी बताऊँगी। सो लेट्स गो। और ये देखिए ये हम लोग ट्रैम्पलिन से उतर गए हैं और फिर हम आगे जा रहे थे तो यहाँ पे शेर बब्बर नज़र आया। सो ये तौसीफ शेर के ऊपर चढ़ के बैठ रहा है, मैं उसकी वीडियो और फ़ोटोज़ ले रही हूँ। सो ये देखिए कितना खुश हो गया। और ये उसी के आगे ऐसा एक सेक्शन बनाया गया था जिस पे सारे स्लाइड्स वाले राइड्स थे, तो यहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय किए। ये देखते हुए आप लोगों को मैं दिखाऊँगी ऐसे चिल्ला चिल्ला के आते करते हुए। आप या किसमें आ रही?
व्हाइट अंडे इधर आ, चल आ जा, मैं हूँ। नहीं जुनैद वहां से चढ़ना, वहां से चढ़, वो साइड से आ। चलो चलो चढ़ो 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 चढ़ो, तोसी भाई सब में ऊपर है, चढ़ो जल्दी जल्दी। नहीं पकड़ने का टाइट, देख देख तौसिफ भाई जीत गया, तौसिफ भाई जीत गया। चलो अभी कहाँ जाएंगे, चलो उस पे जाएंगे, उस पे जाएंगे। जय दीदा, चल उतर उतर। और ये देखिए यहाँ पे हम वहाँ से ही थोड़ा आगे आए तो यहाँ पे एक ऐसा मेंढक बना हुआ था जो मेंढक की ज़बान से स्लाइड थे, बहुत फनी लग रहा था। और बच्चे का जो इधर भी लोग स्लाइड वगैरह कर रहे थे, बहुत बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर उसके बाद हम जाते हैं पानी की जगह, पानी की जगह पे यहाँ पे देखिए मच्छी के लिए पहले ही जैद ने रोना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक ऐसा फवारा था जो कि पानी के बीचों बीच में था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे बोट राइडिंग भी थी, सो हम लोगों को बोट राइडिंग करना था, तो हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे जाना कैसे है। सो ये भी बहुत अच्छा लगा। और बच्चे लोग बता रहे थे कि पानी के अंदर छोटी छोटी सी मछलियाँ जो रहती है वो भी थी, मेरे कैमरे से नहीं कैप्चर हुई बिकॉज वो बहुत छोटी छोटी सी थी और धूप भी था तो नहीं हुआ। बच्चे बता रहे थे कि देखो देखो वहाँ है वहाँ है वहाँ है, पर कैमरे में नहीं हुआ कैप्चर, बट ऐसे आँखों से दिख रहा था। और फिर मैं भी आप लोगों को लेके जाऊँगी, बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है। ये देखिए यहाँ पे साईं बाबा बैठे हैं, और फिर यहाँ पे कैसे हार्ट बना हुआ एक ऐसे रिंग था जिसमें सब खड़े रह के फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते थे। और यहाँ पे बहुत से अलग अलग तरीके के जानवर थे, ये देखिए सब में पहले रैबिट्स, बहुत सारे खरगोश थे और खरगोश के बच्चे लोग भी थे। वाह इतने क्यूट लग रहे थे, इतने छोटे छोटे से, पर वो लोग अंदर थे, मैं उनको हाथ नहीं लगा पाई। ये देखो वो लादी के नीचे थे सब। और फिर ये हम आगे जा रहे हैं, और ये बोर्ड पे कुछ सूचना लिखी हुई थी जिसको मैंने कैप्चर कर लिया। और ये देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, और ये कितने वर्ष पहले था, क्या हुआ, ये सब डिटेल्स थी। और ये यहाँ पे हमको मिल गया ज़ेब्रा, आई लव ज़ेब्रा, मेरे को ज़ेब्रा बहुत पसंद है। और ये बच्चे इस पे बैठ रहे थे, भाभी सबको ऐसे गोद में लेके ऊपर बिठा रहे थे इसके ऊपर, और मैं सबके वीडियोस फ़ोटोज़ बीच बीच में क्लिक कर रही थी। ये देखो पहले बैठा जैदू बाबा, और ये जैद पोज दे रहा है। अब नेक्स्ट तौसीफ, तो तौसीफ नहीं बैठता है, बाद में उतर जाता है, बोलता है उतार दो उतार दो।
अब ये बैठी आपिया और ये अब आपिया भी पोज देगी। ये आपिया का पोज। सो अभी बच्चे जुनैद, तो अब भाभी जुनैद को उठा रहे। भाभी में भाभी बहुत पावरफुल भाभी है, बहुत ताकतवर भाभी है वो। अभी हम लोग अगले साल उनको खतरों के खिलाड़ी में भेजने वाले हैं, बिकॉज वो स्टंट बहुत भारी भारी करते हैं। अभी आप लोग आगे देखोगे। और ये देखिए, ये दो सहेलियाँ बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, जो अब जाके ये गार्डन में मिले, मस्त इंजॉय कर रहे दोनों। और ये देखिए, यहाँ पे कितनी खुली स्पेस है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम सब आगे आगे, और भाभी अभी ये डालियों से झूला झूलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये डालियाँ इतनी मजबूत नहीं है तो नहीं कर पाते। और ये शाहीन भाभी यहाँ से आते हुए, मैं शाहीन भाभी को बोल रही हूँ कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और कैमरा ही मेरा बंद है, फिर मैं वापस से चालू करके फिर आप लोग को वो ऊँट दिखाती हूँ। सो ये देखो, और ये बच्चे यहाँ पे बोर्ड में बैठे बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम लोग उनको चिल्ला रहे थे बिकॉज बोर्ड में गंदा पानी था और उसमें इन लोगों के पाँव जा रहे थे। तो ये देखिए, बड़े से छोटे सारे बच्चे हमारे इधर ही आ गए। आपिया क्यूट है, आपिया बैठ गई। और ये देखो, नीचे गंदा पानी था तो इन लोगों को हम लोग चिल्ला के उतार रहे अभी। और फिर ये यहाँ पे WWE चालू हो गई, और बड़ा भाई छोटा भाई देखते कौन जीतता है। तो ये देखिए, जीता तो जुनैद है, लेकिन जुनैद बोलता है लास्ट में कि मेरे को लगा, मतलब जैद ताकतवर है, छोटा रह के बड़े पे भारी हो गया। और फिर अभी हम जा रहे एक शो देखने, यहाँ पे शो भी था कठपुतली का, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी हूँ। सो अभी हम वहाँ पे जा रहे, वो एक अलग सा रूम इन लोगों ने थिएटर टाइप बनाया हुआ है, उसके अंदर सब शोज चलते। और ये अभी हम पेट्स लव वाले एरिया में चले गए, और अभी हम अंदर सारे पेट्स देखेंगे कि क्या क्या पेट्स यहाँ पे है। सो सबसे पहले वो रैबिट्स थे यहाँ पे, बदक वगैरह थे, बहुत बहुत सारे एनिमल्स थे, बहुत मज़ा आई। ये आप लोग देखिए, वाइट वाइट कलर के बदक, वो तीतर है ना भाई, क्या है वो, क्या तीतर बदक, सारे बदक। और अभी हम आगे जाएंगे, आगे देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे अलग टाइप के भी बदक थे। और फिर अभी हम वहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे एक भूत टाइप, भूत एरिया टाइप एक जगह थी, जिसके अंदर से मतलब हम लोग बहुत डर रहे थे, फिर भी हम जाते अंदर। नहीं बाबा, आ चलो 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 तो सही आगे करो, चलो ये आएगा ले आएगी मन क्या, चलो चलो आए बाल डर बड़ा। और ये देखिए, ये यहाँ पे सब में बड़ा जो एनिमल था यही था। ये देखिए, मैं इसकी आँखें कितनी लाल लाल, एकदम डरावनी है। और ये ऐसे ऐसे देख रहा था, तो भाई इसको उंगली दे रहे थे, बाप रे, आँखों से एकदम वो डरावना लग रहा था। और उसके ये पर देखो कैसे। सो अभी तक मैंने यहाँ पे इस गार्डन में जो भी एनिमल्स देखे, सब में हाइटेड और सब में बड़ा एनिमल यही था। और ये फाइनली 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 हम जा रहे हैं बोट राइड के लिए। हम लोग सब बैठ चुके हैं, और वो रही मैं। और मैंने फिर फ़ोन जावेद भाई को दे दिया था कि अभी तुम रिकॉर्ड करो। और ये पैंडल मारते हुए हमें खुद से आगे जाना है। सो पैंडल मार मार के तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, पर मज़ा भी आ रही थी। तो ये देखिए, ये अभी हम एक कैसी राइड करवा के लेकर आते।
और ये देखिए अभी हमें ये ब्रिज के नीचे से अंकल लेकर आएंगे। ये इतना पूरा लंबा ऐसे गोल इन्होंने हमको राउंड मारा। और ये रही हमारी बोट, हम आ रहे हैं। और अभी इसके नीचे से भी हम क्रॉस होंगे और फिर बस हमारी बोट को पार्क करेंगे। सो ये देखिए ये हमारी राइड हो गई। और मैं उतरते ही साथ सब में पहले बोलती हूँ कि बहुत पाँव दुखते, बहुत पैंडल मारना पड़ता है, बिकॉज़ वो बहुत जाम था तो पैंडल मार मार के बुरी हालत हो गई थी। और ये सेकंड राइड हमारी चालू हो गई जिसमें भाई भाभी लोग और बच्चे बैठे हुए थे। सो इन लोगों को भी वैसा ही पूरा ऐसा गोल घुमा के वो शावर के नीचे से हल्का सा भिगा कर अंकल लेकर आते हैं। तो बहुत मज़ा आती जब वो शावर का पानी क्रॉस होता है तो बहुत अच्छा लगता था। चप 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 जब बारिश की जैसे ऐसा टिम 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 गिर रहा था। सो बहुत मज़ा आई। इन लोगों को भी ऐसे ब्रिज के नीचे से लेकर आके फिर ड्रॉप कर देंगे। और ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट भाभी वापस से खतरों के खिलाड़ी शुरू हो गया है। और यहाँ पे जावेद भाई ऐसे ब्लॉक्स के ऊपर से जा रहे हैं और ये भाभी पानी के बीचों बीच ऐसी चैन से ऐसा रास्ता बनाया हुआ है तो भाभी वो करते हुए जा रहे हैं। और हम तो हमसे ना हो पाएगा बाबा, हम तो बाय रोड जाएंगे। और ये मैं दिखा रही हूँ कि भाभी आधा क्रॉस कर चुके हैं। और ये देखो भाभी कितना केयरफुली संभाल संभाल कर जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे भी करने थे सारे राइड्स बट अम्मी ने मना किया है कि तुम मत करो। और ये यहाँ पे शाइन भाभी भी जा रहे ब्लॉक्स के ऊपर से और मैं गरीब ऐसे ही जा रही हूँ। पर कोई नहीं, मेरे को मज़ा आ रही है भाभी लोग को देखते हुए कि मेरे पास दो अनमोल रतन भाभियाँ हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये पीछे से परवेज भाई भी जा रहे ताकि वो नेट हिले और भाभी थोड़े से हिले। और ये देखो भाई नेट हिला रहे बट भाभी बहुत स्ट्रांग है, भाभी फिर भी चले जाते और भाभी पूरा क्रॉस करते। एक्चुअली दोनों करते पर ईमानदारी वाला भाभी करते, भाई बीच में से कूद के आते। और ये देखो गाइस भाभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और भाई भी आ गए हैं। भाई भी मतलब भाई तो आदमी है ना तो उन्होंने फटाफट फटाफट कर लिया। और ये देखो ये हमारे गार्डन का नाम, आई लव साइबन।